हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब होली आ रही है तो रंग बिरंगे चिप्स सबके घरों में बन रहे हैं। जिनको आता है वो ज़रूर बनाएंगे और जिनको नहीं आता वो यूट्यूब पे देख कर बनाएंगे। यहाँ पे मार्केट से मैं भी अच्छी क्वालिटी का आलू लेके आई हूँ, चिप्स वाले आलू। उनको छील के पानी में हम धुल लेंगे अच्छे से, फिर हम स्लाइसर में पतला पतला काट लेंगे। आपको चिप्स काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए है, नहीं तो हाथ में भी कट सकता है, उंगलियाँ भी। और जो हम चिप्स काटेंगे उनको पानी में ही डाल के रखेंगे, नहीं तो ये लाल हो जाएंगे। जब चिप्स कट जाएंगे तब इनको बॉईल करेंगे। और देखो हम इनको कैसे बॉईल करते हैं। इसमें हम कोई नमक वगैरह नहीं डालेंगे, तो ये चिप्स आप व्रत में भी खा सकते हैं। और इसको ओवर कुक नहीं होने देना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो हमें इतना ही पकाना है कि सिर्फ आलू हमारे हल्के से दबने लग जाएँ, बस तभी ये क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए बॉईल हो गया है, और ये देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ, टूट नहीं रहे, सिर्फ हल्के हल्के से दब रहे हैं। इनको मैंने छान लिया है और अब धूप में सुखा दिया अच्छे से। अभी सूख जाएंगे फिर हम फ्राई करेंगे। धूप में सुखा दिया बढ़िया से। ये चिप्स आप व्रत में ज़रूर फ्राई करके खा सकते हैं, और होममेड है तो वाकई बहुत ही अच्छा है। ये देखिए चिप्स हमारे सूख गए हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज किया है, आप चाहें तो रिफाइंड का यूज कर सकते हैं। और बारी बारी से हम चिप्स को छान लेंगे, और इसके ऊपर हम काला नमक, काली मिर्च का पाउडर या जीरा पाउडर, आपको जो अच्छा लगे वो डाल के इसको खा सकते हैं चाय के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और होली में खाना हो तो हमारे घर आ जाइए, हम आपको फ्री में खिलाएंगे। और इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।